हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एस एन फार्मेसी चैनल। जैसा कि पिछले कई वीडियो में हमने एनवायरमेंटल एडुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इनपुट कर रखे हैं, अगर अभी तक आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को देखिए, जिससे क्या हो कि आपके एग्ज़ाम में उससे काफ़ी हेल्प मिल सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नॉइज़ पॉल्यूशन लिमिट इन इंडस्ट्रियल एरिया इज, यानी जो नॉइज़ पॉल्यूशन होती है वो लिमिट होती है इंडस्ट्रियल एरिया में कितने, 65 dB या 80 dB या 95 dB या 100 dB। तो इसमें से कमेंट करके बताइए कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ बात हो रही है नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन लिमिट होती है कितने, जो इंडस्ट्रियल एरिया में होती है उसमें लिमिट एक अपना एक रेशियो होता है, वो कितना रेशियो रहेगा। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी नेचुरल सोर्स क्या होता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का, अर्थक्वेक, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज या सीवेज। तो यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात हो रही है, तो नेचुरल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन किससे होगा, अर्थक्वेक यानी भूकंप से, या ऑटोमोबाइल से, या इंडस्ट्री से, या सीवेज से। तो कमेंट करके बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि नेचर के द्वारा ही पॉल्यूशन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल बाय फिटिंग, यानी जो एयर पॉल्यूशन होता है किसके द्वारा, ऑटोमोबाइल्स के द्वारा, कैन बी कंट्रोल बाय फिटिंग, किस चीज़ से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पहला ऑप्शन बेट स्क्रबर, कैटेलाइटिक कन्वर्टर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, जो ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन जो राइट रहेगा वो डी वाला ऑप्शन, यानी जो भी एयर पॉल्यूशन होगा ऑटोमोबाइल से वो कंट्रोल बाय फिटिंग ऑल प्रोसेस, स्क्रबर से, कैटेलिटिक कन्वर्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से, यानी सारे के सारे से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मिनामाता डिजीज इज काज बाय, यानी मिनामाता एक डिजीज होती है तो वो किससे काज होती है, लेड से, आर्सेनिक से, मरकरी से, या कैडमियम से। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सी वाला ऑप्शन, यानी मरकरी के द्वारा जो होती है ये डिजीज होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी नेचुरल सोर्स कौन सा होता है इसमें एयर पॉल्यूशन का, स्टॉन्स, एसिड रेन, प्रसिपिटेशन या वोल्केनिक इरप्शन। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है यानी वोल्केनिक इरप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, तो इसमें कौन सा होगा, CFC, DDT, फेरॉन्स या सीवेज। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक राइट ऑप्शन रहेगा, तो वो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन जो होगा, सीवेज के द्वारा जो होती है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। अगला क्वेश्चन है, द मेजर ग्रीन हाउस गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अबाउट 60% ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ एमंग द फॉलोइंग, यानी जो ग्रीन हाउस गैसें होती है वो लगभग रिस्पॉन्सिबल होती है 60% ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ एमंग द फॉलोइंग। तो कौन सी गैस होगी वो, नाइट्रोजन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी रीजन फॉर लार्ज स्केल डिक्लाइन इन पॉल्यूशन डेथ रेट ड्यूरिंग 20th century वाच। तो इसका चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन
इम्प्रूव्ड मेडिकल केयर एंड कंट्रोल ऑफ एपिडर्मिस बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो बी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इल इफेक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन। तो इल इफेक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन कहाँ पे होगी? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लॉस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन या डिक्रीजन इन एग्रीकल्चर लैंड या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? क्योंकि यहाँ पे अर्बेनाइजेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी वाला ऑप्शन, यानी ऑल ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन अर्थ बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज इन सोलर रेडिएशन, एसिड रेन या ऑल ऑफ एबव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ग्लोबल वार्मिंग का मीन्स मतलब क्या होता है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला वाला ऑप्शन ओजोन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो डी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन रहेगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन नहीं है कौन सा? डिफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज, रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल कंजप्शन या नन ऑफ द एबव। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो पहला वाला ऑप्शन यानी डिफॉरेस्टेशन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होती है क्यों होती है? क्लाइमेटिक चेंज, फूड प्रोडक्शन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन डी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोटोकॉल दैट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो प्रोटोकॉल रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस इमिशन को, इज है क्या होता है? काइटो प्रोटोकॉल, बेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टाजीना प्रोटोकॉल। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा पहला वाला ऑप्शन यानी काइटो प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट काज, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों काज करती है? इंक्रीजिंग इन रेनफॉल, लोअरिंग ऑफ एसिड रेन, राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, लोअरिंग इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। तो इसमें से हमारा कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन आर, यानी जो लैंड पॉल्यूशन होता है उसका इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या होता है, महत्वपूर्ण सोर्स क्या होता है? इंडस्ट्रियल वेस्टेज, एग्रीकल्चर वेस्टेज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ एबव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी लैंड पॉल्यूशन होता है तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं कौन सा? इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्टेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट एंड ग्लोबल एयर सर्कुलेशन आर मेनली अफेक्ट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ। किस प्रॉपर्टी से अफेक्ट करेगा? टेम्परेचर, प्रसिपिटेशन, वाटर एंड एयर, नन ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन टेम्परेचर बेस रहता है, क्लाइमेटिक एंड ग्लोबल एयर सर्कुलेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द मेन इम्पैक्ट अर्बेनाइजेशन ऑन प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ इज। पहला ऑप्शन दे रखा है लॉस ऑफ स्पीसीज, म्यूटेशन इन स्पीसीज, इंक्रीज इन स्पीसीज या नन ऑफ दीज। तो इस चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा, लॉस ऑफ स्पीसीज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लाइकली टू बी इंक्रीज ड्यू टू। क्यों इंक्रीज करती है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल इरोशन
या नन ऑफ एबव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका हमारा जो पहला ऑप्शन रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो हम पानी पीते हैं उसमें कितने परसेंट जो कंसंट्रेशन होता है वो फ्लोराइड का कितने परसेंट में रहेगा, 1.5 mg/L, 2.5 mg/L या 2.5 mg/L या 3.0 mg/L। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा 1.5 mg/L। अगला क्वेश्चन है डोमेस्टिक सीवेज। तो डोमेस्टिक सीवेज क्या होते हैं, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज या वेस्ट वाटर फ्रॉम रेसिडेंटल एरियाज, वेस्ट वाटर जनरेट फ्रॉम किचन एंड बाथरूम या नन ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब, किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो इसमें कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यूवी रेडिएशन होगा या सोलर रेडिएशन होगा या शॉर्ट वेव रेडिएशन या लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एसिड रेन आर मोर प्रोमिनेंट इन, किसमें होता है, एरिड रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, इक्वली प्रोमिनेंट इन ऑल। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा कौन सा रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा पहला वाला ऑप्शन यानी एरिड रीजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द इम्पॉर्टेंट गैसियस पॉल्यूशन कंट्रीब्यूटिंग टू एसिड रेन आर, पहला ऑप्शन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो डी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ